हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैं आस्तीन के डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। इसमें मैं फ्रिल वाली आस्तीन बनाऊँगी डोरीदार। तो हम इसके इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और ये 7 इंच यहाँ से निशान लगा लिया है और इसको अब कट कर रहे हैं। इधर से भी हम इसको कट करके बराबर कर लेंगे। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे, ऊपर का हिस्सा। ये नीचे की फ्रिल हो गई, अब ये ऊपर का हिस्सा कट करेंगे। ये देखिए, ये हमने 8 इंच रखा है और यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगा के इसको हम ऐसे तिरछा इसमें यहाँ तक जॉइन कर देंगे। और ये मोहरी हम रखेंगे 5.5 इंच। अब हम इसको कट कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसकी कटिंग हो गई। यहाँ पे प्लेटें डाली जाएंगी। ये देखिए, टोटल 15 इंच आस्तीन तैयार होगी। अब यहाँ हम 2 पट्टियाँ कट करेंगे। ये 2 इंच चौड़ी हैं। इसको भी थोड़ा सा छांट लेंगे। यहाँ पे इसको सेंटर से ऐसे नाखून से लाइन बना देंगे और यहाँ पे कट का निशान लगा देंगे सेंटर पे। और इन पट्टियों को इस तरीके से हम यहाँ पे लगाएंगे। तो हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। ऐसे दोनों पट्टियों को हम एक तरफ से मोड़ ले रहे हैं। यहाँ पे हम इन दोनों पट्टियों को, इस पट्टी को यहाँ पे लगाएंगे। ऐसे इसको फोल्ड करके यहाँ पे लगा देंगे 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए। इसको इधर से भी मोड़ देंगे और इसको यहाँ तक सिल के पक्का कर देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी वाली पट्टी लगाएंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं। अब इधर से भी सेम उसी तरीके से जैसे पहले वाली पट्टी सिली थी उसी तरीके से इसको हम सिल देंगे। ये देखिए, दोनों पट्टियाँ मेरी लग चुकी हैं। अब हम इसमें मशीन से चुन्नट डालेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हमें बड़ा टाका करके पूरी बखिया लगा लेनी है, ज्वाइन नहीं करना है। और एक धागे को पकड़ के ऐसे हमें खींच के इसमें फ्रिल बना लेनी है। ये बहुत ही आसान तरीका है चुन्नट डालने का। ये देखिए, प्लेटें पड़ चुकी हैं मेरी चुन्नट। तो अब हम इसमें ऐसे उल्टा रख के इस पर सिल देंगे। प्लेटों को बराबर करते हुए हम इसमें इसको जॉइन कर देंगे। ये देखिए, ऐसे ही प्लेटें बराबर करके जॉइन कर देंगे इसको। ये देखिए, हमने इसको जॉइन कर दिया। अब इसके ऊपर एक स्टिच करेंगे, प्रेस स्टिच कर देंगे। ये देखिए, मैंने प्रेस स्टिच कर दी है। इस तरीके की 2 डोरियां बना लेंगे। इधर एक हम डाल देंगे और एक उस तरफ वाली पट्टी में डाल देंगे। सुई धागे की मदद से भी डाल सकते हैं या फिर किसी जो है नुकीली चीज़ से भी डाल सकते हैं।
ये देखिए हम इसको यहाँ पे सिल देंगे। अब सेम इसी तरीके से हम इधर भी डोरी को डाल देंगे। ये देखिए डोरी हमने डाल दी है और ऐसे इसको बीच से फोल्ड करके इसको हम सिल देंगे। ये देखिए आस्तीन हमारी सिल चुकी है। अब इसको हम सीधा कर देते हैं। ये देखिए इसका कुछ ऐसा लुक आया है। और इस डोरी को बांध देंगे तो और भी खूबसूरत लगने लगेगी। ये बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाकर ऑल का बटन सेलेक्ट करें, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।